हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन होट ट्रिपल वन फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर लेक्चर एट प्रोपोगेशन मेथड कटिंग इस टॉपिक में अपने कटिंग के बारे में पढ़ेंगे कितने प्रकार की होती है लेट्स स्टार्ट दिस कटिंग सेपरेशन ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट एंड प्लांटिंग इट इन द मीडिया सुटेबली एंड डेवलपिंग इट एज ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड कटिंग कटिंग क्या होती है कि पौधे के किसी भी भाग से ठीक है एक टुकड़ा काट लेना उसका और उसको मीडिया के अंदर लगा देना मीडिया मतलब सोयल है या फिर आपकी कोई सैंड है वर्मी कोलाइट है या वर्मी सॉरी वर्मी कंपोस्ट है या किसी भी मीडिया के अंदर उसको लगा देना उसके बाद एक नए पौधे के रूप में विकसित होना कटिंग कहलाता है ठीक है जिसको हिंदी में कलम करना कह देते हैं कलम बनाना उसकी टाइप्स ऑफ कटिंग कटिंग मेनली तीन प्रकार की जो तीन प्रकार की होती है कि भाई उनके किस भाग से ली जाती है उसके हिसाब से स्टेम कटिंग होती है जो तने से ली जाती है फिर रूट कटिंग है जो रूट से बनाई जाती हैं एक लीफ कटिंग होती है तीन टाइप होते हैं फिर कटिंग को आगे जो स्टेम कटिंग है उसको आगे चार भागों में डिवाइड किया जाता है हार्डवुड कटिंग सेमी हार्डवुड कटिंग सॉफ्टवुड कटिंग और हर्बेसियस कटिंग देखने होती क्या है ये स्टेम कटिंग क्रिएटिंग न्यू प्लांट्स बाय टेकिंग सम पार्ट फ्रॉम द स्टेम इज कॉल्ड स्टेम कटिंग मतलब एक नई पौधे का विकास करना तने के कुछ भाग को लेकर स्टेम कटिंग कहलाता है जब तना कलम कहलाता है ठीक हा इसमें भी जो पहला टाइप होता है इसका हार्डवुड कटिंग ठीक है हार्ड मतलब कठोर और वुड का मतलब कास्ट और कट कलम कठोर कास्ट ही है, कलम इन दिस मैथड द कटिंग इज टेकन फ्रॉम ए बुडी ब्रांच ऑफ ए ईयर और एल्डर मतलब जो एक साल पुरानी या इससे थोड़ी ज्यादा पुरानी शाखा होती है उससे कलम को लिया जाता है कटिंग को लिया जाता है उस शाखा का चुनाव किया जाता है कटिंग के लिए द कटिंग शुड नॉट बी टेकन फ्रॉम ब्रांच विद हाई बिग्रस ग्रोथ एंड लॉन्ग इंटरनोड्स कभी भी जो कटिंग ली जाती है तो ऐसी जो शाखाएं होती हैं जो विग्रसली ग्रोथ कर रही होती हैं मतलब कभी कभी क्या होता है वाटर स्प्राउट्स निकलते हैं मतलब एक शाखा ऐसी होती है जिसपे पत्ते थोड़े बड़े बड़े साइज के और थोड़े क्या कहते हैं ज़्यादा ही गैप लेके लगे हुए रहते हैं ऐसी शाखा से कभी भी कटिंग नहीं ली जाती और इनमें जो इंटरनोडल लेंथ होती है मतलब दो नोड दो कलियों के बीच की जगह है वो थोड़ी ज़्यादा ही लंबी होती है नॉर्मल जो प्लांट है उसकी तुलना में ठीक है उसकी जो नॉर्मल ब्रांच हैं उनकी तुलना में ज़्यादा ही रहती है तो ऐसी शाखा का चुनाव नहीं किया जाता कटिंग लेने के लिए इंटरनोडल लेंथ होती है जो दो कलियाँ होती हैं जैसे गन्ना है एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ गन्ने के बीच दो जो उसकी गांठें रहती हैं ठीक है उसके बीच में जो उसकी पोरी रहती है जहाँ पोर रहता है वो जगह इंटर नोडल लेंथ बीच वाली इंटर नोडल और नोड्स होती हैं जो बीच जो ऊपर वाली दोनों साइड ठीक है बीच वाली जगह इंटर नोडल ज इंटर नोड ठीक है एक कटिंग विथ टू और थ्री बर्ड्स विच इज कट फ्रॉम नियर द बॉटम बर्ड एंड वन टू टू सेंटीमीटर अबव द टॉप बर्ड इसमें क्या है कि एक लाइन बोल गया कटिंग लेंथ टेन टू फोर्टी फाइव सेंटीमीटर शुड बी किप जो कटिंग है उसकी जो लंबाई रखी जाती है जो कलम ली जाती है उसकी लंबाई 10 से 45 सेंटीमीटर रखी जाती है ठीक है मतलब 10 सेंटीमीटर भी हो सकती है किसी पौधे के अंदर किसी के अंदर 45 सेंटीमीटर तक रखी जाती है हार्डवुड कटिंग की और इसमें कम से कम दो से तीन कलियाँ होनी चाहिए कम से कम दो से तीन होनी चाहिए इसमें ज़्यादा हों तो ज़्यादा अच्छा है ठीक है और इसमें भी जब कटिंग बनाते हैं तो जो नीचे वाला कट लगाया जाता है तो वो हमेशा जो बड है उसके पास में से लगाया जाता है मतलब वहाँ से काटा जाता है शाखा को जहाँ नीचे वाली कली है उसके साथ में और ऊपर से हमेशा जो कली है उससे एक से दो सेंटीमीटर ऊपर काटा जाता है मतलब कली के पास में बिल्कुल नहीं काटा जाता क्योंकि अगर अपने उस कली पौधे शाखा को जहाँ उस सॉरी कलम को लगा देंगे नर्सरी के अंदर तो वहाँ से वो कली ऊपर से थोड़ी जगह तो सूखेगी ठीक है जैसे कलम लगाएंगे किसी भी उसमें नर्सरी में तो ऊपर से कलम सूखना स्टार्ट करती है थोड़ा थोड़ा तो सूखती ही है तो उसके कारण वो ऊपर वाली बड़ खराब ना हो वेस्ट ना जाए इसलिए कलम से थोड़ा ऊपर कट लगाया जाता है कि अगर शाखा सूखे भी ऊपर से वो जो आपने काटी है कलम तो वो कली को नुकसान ना हो तब तक वो स्प्राउट हो जाए फुटान ले ले अपनी ठीक है इसलिए ऊपर वाला कट थोड़ा सा ऊपर लगाया जाता है और नीचे वाला कट नीचे बिल्कुल कली के पास क्यों लगाया जाता है क्योंकि वहाँ से जड़ों का विकास होता है वो जल्दी हो जाता है अगर वो बड़ वाली जगह है ना तो वहाँ से जल्दी होता है इसलिए कली के पास में से लगाया जाता है और हमेशा कट जो ऊपर वाला होता है वो स्लांटिंग कट लगाया जाता है या तिरछा कट लगाया जाता है एक ढाल वाला कट लगाया जाता है ये कह लो एक डालदार जिससे क्या होता है कि जैसे उसको नर्सरी में रोपित करते हैं तो उसके ऊपर अपने फुवारे से या झाड़े से पानी देते हैं तो उसके ऊपर पानी टिके नहीं अगर वो प्लेन होगा बिल्कुल समतल होगा तो उसके ऊपर पानी टिकेगा जिसके कारण वहाँ से पफूंद है या कोई फंगस है वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी और कलम गल जाएगी तो उसके ऊपर पानी टिके नहीं इसलिए उसका स्लान्ट कट रखा जाता है बिल्कुल प्लेन स्लांटिंग कट रखते हैं जिससे पानी ऊपर खड़े नहीं कभी कभी क्या करते हैं जो अपने घरेलू तरीके से ज़्यादातर कलम तैयार करते हैं उनमें क्या करते हैं वो कच्चा जो गोबर होता है उसको ऊपर लगा देते हैं जिससे क्या होता है कि भाई वो कलम ऊपर से सूखती नहीं है और फंगस की ग्रोथ नहीं होती वो हरी बनी रहती है वो इसी इसी लिए करते हैं कि उसके ऊपर पानी ना गिरे उसके ऊपर पानी खड़ा ना रहे फंगस की ग्रोथ ना हो ठीक है तो गोबर लगा देते हैं कोई मिट्टी लगा देता है उसके ऊपर वो चीज इसी से बचाने के लिए किया जाता है कई बार क्या करते हैं नर्सरी के अंदर जो कलम बना ली उसके बाद उसको तिरछा प्लांट किया जाता है मतलब बिल्कुल सीधा नहीं लगाते नर्सरी में नर्सरी में भी टेढ़ी कलमें लगाई जाती हैं तिरछी कलमें लगाई जाती हैं एक साइड झुकी हुई लगभग पैंतालीस डिग्री के कोण पे जहाँ पचास डिग्री के कोण पर वो झुकी हुई रहती हैं नर्सरी बेड के अंदर बिल्कुल सीधी कलम नहीं लगाते अगर उसके ऊपर स्लांटिंग कट नहीं लगाते तो अगर स्लान्टिंग कट लगाते हैं तो जरूरत ही नहीं पड़ती वो सीधी कलम लगाओगे तो भी उसके ऊपर पानी टिकेगा नहीं अपने आप नीचे गिरता रहेगा और कलम गलने के चांस कम हो जाएंगे ठीक है इसीलिए नहीं लगाया जाता सॉरी uh, इसीलिए उस पर स्लांटिंग कट लगाया जाता है ठीक है द कटिंग शुड बी ट्रीटेड विद ए सोल्यूशन ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड पी पी एम आई बी ए बिफोर प्लान्टच लीड्स टू क्विकर रूट डेवलपमेंट कुछ हारमोन है आई बी ए है एन ए है मतलब इंडोल ब्यूटारिक एसिड है नेपथलिक एसिटिक एसिड है कुछ ऐसे ही ऑक्जिन हैं जो कि जड़ों को प्रमोट करते हैं अगर कलम uh, को इस गोल से ट्रीट किया जाए ये पादप वृद्धि हार्मोन है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं जिसे ठीक है ये हैं जी क्या करते हैं कि जो उसकी जड़ निकलने वाली जगह पे अगर इसको ट्रीट करके जड़ वाले नीचे वाली जो साइड होती है कलम को ट्रीट करके ज़मीन में लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि उसकी जड़ें जल्दी निकलती हैं इसलिए इससे ज़्यादातर ट्रीट किया जाता है कलमों को ठीक है जहाँ पे कमर्शियल नर्सरी करते हैं वहाँ पर घरेलू तौर पर नहीं करते पर कमर्शियल नर्सरी में इससे ट्रीट किया जाता है कि जल्दी कलमें निकले और जो भी कलमें लगाइयाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हों नहीं तो कुछ कलमें सूख जाती हैं उसमें से द कटिंग शुड बी मेड फ्रॉम नवंबर टू फरवरी और जो हार्डवुड कटिंग है उसे नवंबर से फरवरी के अंदर बनाया जाता है ज्यादातर जब पौधा ये कह लो कि डोरमेंट कंडीशन से एकदम से बाहर आता है उससे थोड़ा सा पहले ज्यादातर जो भी शीतोषण पौधे है। होते हैं शीतोषण मतलब जो ठंडे क्षेत्रों वाले पौधे होते हैं उनमें पतझड़ पाया जाता है ठीक है जहाँ सब ट्रॉपिकल पौधे होते हैं उनमें भी पतझड़ पाया जाता है ठीक है ये मतलब ये जैसे ही सर्दी ज्यादा आती है ठंड ज्यादा होती है उस समय ये पत्ते अपने झाड़ देते हैं बिल्कुल डिफोलिएट हो जाते हैं उनपे पत्ते नहीं रहते उस समय इनमें से कटिंग ली जाती है ठीक है और इसको लगा देते हैं नर्सरी के अंदर जैसे ही अच्छा मौसम आता है मतलब आगे बसंत का मौसम आता है स्प्रिंग सीजन आता है तो इनमें से जर्मिनेशन या अंकुरन स्टार्ट हो जाता है कलमों से जल्दी हो जाता है क्योंकि उससे पहले उस समय जब अपने कटिंग लेते हैं उस समय ज़्यादातर जो फूड होता है वो पत्तियों वाला फूड या कोई भी है वो सारा का सारा पौधा अपने तने के अंदर कह लो जो अपनी जो शाखाएं होती हैं उनके अंदर स्टोर कर लेता है ठीक है उस समय उसमें स्टोरेज मटेरियल जो कह लो खाद्य होता है वो ज़्यादा होता है उस शाखा के अंदर इसीलिए उस समय कलम बनाई जाती है और जैसे ही मौसम उपयुक्त होता है ठंड थोड़ी सी खत्म होती है वो जो अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ होता है फूड क्योंकि पत्तियाँ तो होती नहीं फूड बनाने के लिए फूड तो उसके अंदर वाला होता है जो रिजर्व होता है उसी को यूज करता है उससे वो स्प्राउट होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है इसलिए फ नवम्बर से फरवरी के अंदर जो भी हार्डवुड कटिंग है वो तैयार की जाती है दिस टाइप ऑफ कटिंग इज मेड इन ग्रेप्स जो अंगूर है उसके अंदर फिग अंजीर के अंदर पोम ग्रेनेट अनार के अंदर मलवेरी जो शहतूत होता है उसके अंदर रोज़ है गुलाब के अंदर ऐसी कटिंग तैयार की जाती है नेक्स्ट है सेमी हार्डवुड कटिंग सेमी हार्डवुड कटिंग ये कह लो वो हार्डवुड थी मतलब जैसे कोई पुरानी शाखा से कटिंग लेना जिसमें बहुत ही ज़्यादा कास्ट होती है मतलब दो तो कठोर होती है कलम और इसमें क्या होता है कि ये थोड़ी सी नरम होती है होती हार्ड ही है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है पौधों में उसी पौधे से इसकी भी कलम तैयार की जाती है ठीक है एक और टाइप होगा जिसमें जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पौधों में नहीं होती शाखाओं में उनसे भी कलम तैयार की जाती है जिसे हरबेसियस कटिंग कहते हैं तो अपने अभी पढ़ रहे हैं जो जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है उन पौधों से कटिंग लेना जैसे जो है आपने हार्डवुड पढ़ी थी जैसेमी सेमी हार्डवुड है या फिर सॉफ्टवुड है ये सारी की सारी जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है जिन शाखाओं के अंदर यानी कि वो कास्ट या होते हैं उन पौधों से जो कटिंग ली जाती है वो प्रकार है तो दिस कटिंग टेकन फ्रॉम ए सेमी हार्डवुड ब्रांचन ऑफ फोर टू नाइन मंथ होल्ड मतलब जो पहले वाली थी आपने देखा था कि एक साल या इससे ज्यादा पुरानी शाखा से लेते हैं इसमें चार से नौ महीने जो पुरानी शाखा होती है नई नई शाखा होती है थोड़ी सी नई होती है मतलब लगभग पाँच छः महीने निकल चुके होते हैं तो उससे इसकी कटिंग लेते हैं उस समय कट ब्रांच के अंदर स्टोरेज मटेरियल तो होता है स्टोर होता है उसके अंदर पर उसकी तुलना में कम होता है और वो कठोर नहीं हुई होती अभी तो थोड़ी लचीली होती है द लेंथ ऑफ द कटिंग शुड भी सेवन टू ट्वेंटी सेंटीमीटर जो कटिंग की लंबाई रखी जाती है जो जा कलम की लंबाई रखी जाती है वो सात से बीस सेंटीमीटर की रखी जाती है द एंटायर लीव्स आर रिमूव जो उसकी पूरी की पूरी पत्तियाँ होती हैं उनको हटा दिया जाता है लीविंग द टॉप टू टू थ्री लीव्स ऑफ द कटिंग और दो से तीन जो ऊपर वाली पत्तियाँ होती हैं उनको कभी कभी छोड़ दिया जाता है अगर कलम थोड़ी ज़्यादा ही सॉफ्ट की तरफ है मतलब थोड़ी ज़्यादा ही सॉफ्ट है तो नहीं तो ज़रूरत नहीं है कि अगर आप उसके ऊपर पत्ते छोड़ो कटिंग के ऊपर ठीक है जैसे आपको दो पिक्चर दिखा रही है एक हार्डवुड है नीचे एक सॉफ्ट सेमी हार्डवुड की है तो जरूर अगर दोनों में हार्ड के आसपास ही हैं अगर उसमें स्टोरेज मटेरियल आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा होगा तो आप उसमें पत्ते ना छोड़ो कोई ज़रूरी नहीं है कि पत्ते हों उसके ऊपर और उस पत्तों को पत्तों को रखने का भी यही कारण है कि पत्ते होंगे तो उसमें जो फूड होगा वो बन बनता रहेगा कुछ टाइम तक वो पत्तियाँ फूड बनाती रहेंगी उस शाखा के लिए जो भी काट के अपने लगाई है अगर इसमें ज़्यादा रखते हैं शाखा के ऊपर अपने कह दें कि भाई ऐसे फिर पत्तों के अगर है तो उसके ऊपर पत्ते ही रख लो तो अपने आप फूड भी बनता रहेगा ऐसा नहीं है उससे उतना ज़्यादा जो पानी का लॉस भी उतना ही ज़्यादा होता है पत्ती से ये मैं भी पत्ती जितना भी उसके अंदर पानी है कलम के अंदर वो अपना उड़ाना स्टार्ट कर देती है उस कलम से इसलिए पत्तियाँ ज़्यादा नहीं रखी जाती ऐसी कलमों के अंदर हार्डवुड और सेमी हार्डवुड के अंदर बस एक आध कभी कभी पत्ती रखी जाती है कि अगर उसमें लग रहा है कि आपको स्टोरेज जो मटेरियल है खाद्य है वो कम है उस कलम के अंदर तो ठीक है दिस टाइप ऑफ कटिंग शुड बी मेड इन रेन द रेनी सीज़न और ऐसी जो कटिंग्स होती हैं सेमी हार्डवुड वो रेनी सीजन के अंदर तैयार की जाती हैं बरसात के मौसम में जिस समय ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वातावरण में आदरता ज़्यादा होती है इसीलिए पत्तियाँ छोड़ी जाती हैं अगर ड्राई मौसम के अंदर अपने जैसे हार्डवुड कटिंग कर रहे हैं तो उस समय अगर अपने पत्तियाँ छोड़ेंगे तो पत्तियों से तो पानी का लॉस उससे भी ज़्यादा होगा जिससे कलम सूख जाएगी जल्दी सूख जाएगी तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है उस क्षेत्रों के अंदर सेमी हार्डवुड ली जाती है जिसमें कुछ पत्तियाँ कभी कभी छोड़ देते हैं अगर स्टोरेज मटेरियल उसके अंदर ज़्यादा कम है तो ब्रांच के अंदर ठीक है आफ्टर ट्रीटमेंट विथ पी इट इज़ प्लांटेड इन प्रिपेयर नर्सरी बेड्स और जो भी ग्रोथ रेगुलेटर है जैसे आई का मैंने पहले ही बताया था उससे ट्रीट करके इन कलमों को नर्सरी बैड के अंदर लगा दिया जाता है दिस कटिंग इज़ मेड इन मैंगो गुवावा जैक फ्रूट लेमन आंवला आदि एक्सेट्रा दिस जो इस प्रकार की जो कटिंग्स होती है वो आम के अंदर अमरूद के अंदर या कटह है इसके अंदर या नींबू है या आंवला है इसके अंदर तैयार की जाती है इस विधि से तैयार करी जाती है ठीक है ज़्यादातर रेनी सीजन में तैयार करते हैं सेमी हार्डवुड कटिंग जब थोड़ी मौसम में आदरता होती है उस समय नेक्स्ट है सॉफ्ट वुड कटिंग सॉफ्ट वुड नाम से ही पता चल रहा है वुड भी है मतलब वुडी प्लांट से कटिंग ले रहे हैं पर जब उसकी जो सॉफ्ट शाखा है उससे दिस कट टाइप ऑफ कटिंग इज नॉट कॉमनली यूज इन द प्रोपेशन ऑफ फ्रूट ट्रीज मतलब जो इस प्रकार की कटिंग लेते हैं वो ज़्यादातर जो फल वृक्ष होते हैं फलों वाले पौधे होते हैं उनमें ज्यादातर यूज नहीं की जाती ठीक है ये ज्यादातर यूज नहीं होती उनमें एंड देयर शुड बी मोर ह्यूमिडिटी व्हेन मेकिंग कटिंग और उस समय जब भी ये कटिंग लेते हैं सॉफ्टवुड कटिंग थोड़ा ही अंतर होता है सॉफ्टवुड कटिंग और हर्बेसियस कटिंग के अंदर ठीक है सॉफ्टवुड जो कटिंग होती है वो वुडी प्लांट की सॉफ्ट शाखा से लेते हैं जो बिल्कुल अभी दो तीन महीने पुरानी ही होती है जबकि जो हर्बेसियस होती है वो भी सेम ही होती है पर वो हर्बेसियस पौधे होते हैं जो जो शाकीय पौधे होते हैं कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते घरों पे तुमने कई बार देखे होंगे पौधे जिनमें से दूध निकलता है जैसे पेडिलेंथस है ठीक है इरेसिन है ऐसे कुछ पौधे हैं अल्टरेंथ्रा है जो कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते अपने मतलब कास्टिया नहीं होते मतलब कितना ही बड़ा हो जाए वो पौधा कितने ही साल का हो जाए वो कास्टिया नहीं होते उनसे जो कटिंग लेंगे वो हरबेसियस होगी तो सॉफ्ट वुड उससे अलग होती है सॉफ्ट वुड होती है जो वुडी प्लांट है उनकी कटिंग लेना ठीक है सॉफ्ट शाखा से लेना जो दो से तीन महीने पुरानी है उससे द लेंथ ऑफ द कटिंग शुड बी कीप टेन टू फिफ्टीन सेंटीमीटर जो कटिंग की लंबाई रखी जाती है कलम की वो दस से पंद्रह सेंटीमीटर लंबी होती है मतलब उसकी लंबाई है ठीक है दिस टाइप ऑफ कटिंग इज़ प्रिपेयर्ड इन एप्पल पियर गुआवा एंड सम ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो इस प्रकार की कटिंग है ज़्यादातर जो टेम्परेट फ्रूट्स हैं जैसे सेब है नाशपाती है अमरूद है या कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट हैं उनके अंदर इस प्रकार की कटिंग ली जाती है और वैसे जी ज़्यादा कमर्शियली यूज नहीं होती फल वृक्षों के अंदर कुछ को छोड़कर ठीक है नेक्स्ट है हर्बेसियस कटिंग चौथा टाइप है हरबेसियस कटिंग पहले पढ़ा था अपने हार्डवुड सेमी हार्डवुड सॉफ्टवुड और ये हर्बेसियस ठीक है चार टाइप की होती है स्टेम कटिंग ये स्टेम कटिंग का ही चौथा टाइप है ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर यूजली प्रोपोगेटेड विद हर्बेसियस कटिंग द कटिंग इज मेड फ्रॉम वन टू टू मंथ्स ओल्ड ब्रांच जो इस प्रकार की कटिंग है ज़्यादातर जो ऑर्नामेंटल पौधे होते हैं अलंकृत पौधे होते हैं जिनको डेकोरेशन के लिए कह लो कि घर की, की सजावट के लिए यूज़ किया जाता है ठीक है सुंदर लगने के लिए लगाते हैं बागों के अंदर लगाते हैं उन पौधों की इस विधि से हर्बेसियस कटिंग तैयार की जाती है मतलब उनसे इनसे पौधे तैयार किए जाते हैं हर्बेसियस कटिंग से द कटिंग इज मेड फ्रॉम ए वन टू टू मंथ ओल्ड ब्रांच जो कटिंग तैयार की जाती है वो एक से दो साल पुरानी जो शाखा होती है उससे तैयार करते हैं द लीव्स आर कट ऑफ फ्रॉम द बेस ऑफ द कटिंग एंड द अपर लीव्स आर अलाउड टू रिमेन एज द कार्बोहाइड्रेट एक्ूमलेटेड इन द ब्रांच इज़ लो एंड द लीव्स आर यूज टू मेक फूड दिस कटिंग इज़ यूज इन द प्रोपेशन ऑफ अल्टरनेथ्रा कोलियस पीलिया इरेसिन ऐसे कुछ पौधे हैं उनके अंदर तो इस प्रकार की जो कटिंग है इसमें क्या करते हैं कि एक से दो जो पुरानी एक से दो महा पुरानी शाखा होती है ज़्यादातर उस शाखा से कटिंग लेते हैं और हमेशा शाकीय पौधे की ही कटिंग को हर्बेसियस कटिंग कहते हैं ठीक है जिनमें कास्ट नहीं बनती और इसमें करते क्या है कि उसके शाखा जो कटिंग है उसको नीचे से एक ऊपर से शाखा को काट लिया मतलब जो भी उसका पूरा टप टिप पूरा टिप है लगभग दस सेंटीमीटर उसको काट लिया आपने को ठीक है उसकी जो बेस वाली पत्तियां होती हैं मतलब जहां से आपने कट कटिंग काटी है उस पौधे से अलग किया है उसे वहाँ से नीचे वाली पत्तियों को हटा देते हैं और ऊपर वाला जो टिप टिप रहता है ठीक है उसकी पत्तियाँ छोड़ दी जाती हैं क्योंकि उस समय उस पौधे के अंदर इतना ज़्यादा स्टोरेज जो कह लो कि स्टोरेज फूड होता है वो नहीं होता तो पत्तियाँ उसके ऊपर रहनी चाहिए और ज़्यादातर ऐसी पत्तियों को सॉरी ऐसी कलमों को बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड जो ग्रीन हाउस या नेट हाउस है उसके अंदर प्लांट किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बनी रहे और जिससे कि ये सूखे नहीं शाखाएँ ठीक है और ऐसे ही ये अंकुरित हो जाती हैं जैसे वो शाखा का ऊपर टिप लगाया आप वैसे ही ये नए पौधे के रूप में डेवलप हो जाती हैं और ऐसी जो कटिंग तैयार की जाती है जैसे अल्टरनेत्रा ये सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं अल्टरनेत्रा है कोलियस है पीलिया मोस्कोसा है इरेसिन रेड है मतलब कुछ पौधे हैं ठीक है तो मैं कभी इनके बारे में भी तुम्हें बताऊंगा आगे वाले कभी कोर्स आया तो तो अल्टरनेथरा कैसा होता है कोलियस कैसा होता है पिलियम्सा है कैसा है रेसिन कैसा है तो नेक्स्ट है रूट कटिंग मतलब पहला स्टेम कटिंग था वो खत्म हो गया आपने उसके चार टाइप पढ़ लिए सेकेंड है रूट कटिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सकर कैन बी ईजिली प्रोपोगेटेड विद रूट कटिंग ऐसे पौधे जो सकर प्रोड्यूस करते हैं मतलब कभी कभी तुमने देखा होगा आ, केली घर पे लगी हुई होगी या केले का पौधा होगा तो इनमें क्या होता है कि इसके साथ में एक नए पौधे उगते रहते हैं साथ में ही ठीक है उनको सकर्स कहते हैं वैसे अपने सकर्स को आगे पढ़ेंगे प्रोपोगेशन के अंदर ही सकर्स क्या होते हैं तो ऐसे पौधे जो जड़ से ही प्रिवर्धित किए जा सकते हैं जहाँ जिनमें जड़ें भी कलियाँ रखती हैं और नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती हैं उन पौधों से जो रूट होती है वहाँ से कटिंग लेते हैं ठीक है तो इसमें कटिंग के लिए करते क्या है द कटिंग टेन टू फिफ्टीन सेंटीमीटर लॉन्ग आर प्रिपेयर फ्रॉम टू टू थ्री सेंटीमीटर थिक रोट्स जो कटिंग होती है मतलब जैसे तने की कटिंग की वैसे ही जड़ की कटिंग करते हैं मतलब जड़ को भी टुकड़ों में काट लेते हैं लगभग मतलब 10 से 15 सेंटीमीटर लंबाई की और 2 से 3 सेंटीमीटर जो मोटी जड़ होती है उसको काट लिया जाता है मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी जो जड़ है उसकी 10 से 15 सेंटीमीटर की कलमें तैयार कर लेते हैं ठीक है फॉर रूट कटिंग प्रिपरेशन द बेस्ट सीजन इज़ दिसंबर फॉर टेम्परेट फ्रूट्स जो कटिंग uh, तैयार करते हैं रूट कटिंग जो शीतोषण वाले पौधे होते हैं उनके लिए तो दिसंबर का मंथ सबसे अच्छा होता है कटिंग तैयार करने के लिए और जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं उपोषण कह लो ठीक है, है? जैसा अपना एरिया सेंट्रल इंडिया लगभग ये मान लो ठीक है वहाँ का क्षेत्र रहता है वहाँ पे रेनी सीजन सबसे अच्छा रहता है रूट uh, कटिंग लेने के लिए द कटिंग शुड बी ट्रीटेड विद हार्मोन बिफोर सोमिंग जो कटिंग होती है उसको थोड़ा सा अगर हार्मोन से ज़्यादा जल्दी ट्रीट कर लें तो वो जल्दी अंकुरित तो हो जाती है मतलब उसमें जड़ें जल्दी निकलेंगी उसमें से जो शाखा है प्रो का निर्माण है वो जल्दी होगा द प्रिपरेशन ऑफ कटिंग इज़ प्लांटेड डायरेक्टली इन द फील्ड कभी कभी क्या होता है कि जो कटिंग्स होती हैं उनको सीधा ही फील्ड में शिफ्ट किया जाता है मतलब उनको नर्सरी में लगा के तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती वो सीधी ही तैयार हो जाती हैं नेक्स्ट तीसरा टाइप है लीफ कटिंग ठीक है पहला था स्टेम दूसरा रूट तीसरा लीफ कटिंग तो लीफ कटिंग जनरली द ऑर्नामेंटल एंड सकुलेंट प्लांट्स कैन बी प्रोपोगेटेड विद लीफ कटिंग बहुत से ऐसे पौधे हैं ऑर्नामेंटल अलंकृत पौधे होते हैं या फिर सकुलेंट पौधे होते हैं जिसकी पत्तियां ये कह लो कि जैसे पत्थर चट्टा है सुना होगा नाम ठीक है तो ये सकुलेंट पौधे होते हैं जहाँ एक और एग्जाम्पल देता हूँ जो तुमने ज़्यादातर देखा, देखा होगा नागफनी देखा होगा ठीक है वैसे तो इनके जो पत्ते होते हैं अपने आप में वो पत्ते नहीं हैं वो तो अपने आप में एक क्या कहते हैं कि पत्ते तो उसके कांटे के रूप में ज़्यादा गर्मी सहने के लिए कांटे के रूप में होते हैं और पत्ते नहीं वो तना ही होता है वैसे हो दिखता है पत्ते के तरह ऐसे ही कुछ पौधे और भी हैं जैसे मैंने ब्रायोफिल्म जहाँ मैंने अभी बताया था पत्थर चट्टा तो इसमें क्या होता है कि इसकी पत्तियों के अंदर जैसे ये पिक्चर में भी शो रहा होगा पत्ती कुछ ऐसी होती है इसके जो कॉर्नर्स रहते हैं वहाँ पर कुछ गोर्मेंट कलियां रहती हैं बर्ड्स रहती हैं ठीक है थीके? अगर इस पत्ती को काट के जमीन में लगाया जाए तो पत्ती की वो जो कलियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और एक नए पौधे के रूप में डेवलप हो जाती हैं विकसित हो जाती हैं ठीक है थीके? कुछ लैदरी पौधे होते हैं उनके अंदर ऐसे नहीं कि हर पौधे के अंदर कुछ कलियां पाई जाती है ऐसा कुछ नहीं है कुछ लैदरी लीव्स होती हैं पत्थर चट्टा मैंने सही एग्जाम्पल ऐसा दिया है क्योंकि जो तुम्हें पहले भी कभी सुना होगा इसका नाम क्योंकि अपने साइंस के अंदर इसका नाम आता रहता है ठीक है कलियाँ पाई जाती हैं प्लांट्स कैन बी प्रिपेयर बाय लीव कटिंग इन बिग्नोनिया सेंसिवेरिया क्रेसुला कुछ पौधे हैं जिनके अंदर इस प्रकार की पत्तियाँ पाई जाती हैं जिनके अंदर कलियाँ होती हैं और इनको अगर जमीन के अंदर पत्ती को काट के लगा दिया जाए तो ये एक पौधे के रूप में विकसित हो जाती हैं ठीक है ये लीफ कटिंग कहलाती है ऐसी अगर ऐसी कटिंग जाए इससे ऐस विधि से पौधे तैयार किए जाते हैं तो लीव कटिंग ठीक है थैंक यू